देखा फ्रेंड कितना ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये नाश्ता है। तो फ्रेंड सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाला ये हल्का फुल्का बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता है। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, अनीता सिंह लाइव में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें हमको बहुत ही एक छोटा चम्मच तेल मतलब तेल डालना है, कोई भी तेल ले सकते हो। उसमें हमको एक छोटा चम्मच ही सरसों जो आता है तड़का लगाने के लिए वो डालना है, और जीरा डालना है, इसको हमको भून लेना है। उसके बाद हमने ये एक कोई भी कटोरी मेजरमेंट ले सकते हो, कोई भी हमने एक ये मग से 3 मग मैंने इसमें पानी डाला है फ्रेंड, छोटा वाला ही मग है इसलिए मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। पानी उबलने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसमें नमक डालना है, आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। और जिस कप से मैंने इसमें पानी डाला था, 3 कप पानी डाला था, और उसी कप से मैंने इसमें 1 कप सूजी डाली है। तो ये मेजरमेंट आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से देखिए मैंने इसमें अच्छे से चलाया है, गुलथियाँ नहीं पड़नी है फ्रेंड। सूजी है तो नॉर्मल सी बात है, इसको चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर फ्रेंड उसी कप से मैंने इसमें 1 कप आटा, नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया, मुझे लग रहा था ज़्यादा कहीं आटे की ही मतलब ना आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया आटे को। और अच्छे से इसको मिलाना है, अच्छे से परफेक्टली। अगर आप इस रेशियो से पानी डालोगे तो आपका परफेक्ट ही बनेगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान देना। इस तरह आपको मैश करते हुए ही इसको अपनी स्पैचुला को अच्छे से चलाना है, जिससे कि हमारे आटे में इसमें डव में बिल्कुल भी गुलथियाँ ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए आटा फॉर्म में हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इस तरह से ही आपका भी होना चाहिए, और उसके बाद एक प्लेट में आपको निकाल लेना है इसे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो आपने देखा है ये प्रोसेस इतनी देर तक, तो वीडियो तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड चलिए हमारा आटा, तो ये आटा डो में मेरा सूजी और आटा का ये फ्लेवर तो तैयार हो गया है। अब हम दूसरी कढ़ाई लेते हैं, या तो उसी कढ़ाई में आपको क्या है, 2 चम्मच बड़े चम्मच फ्रेंड इसमें हमको तेल डालना है। फिर इसमें 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, इसमें अच्छे से तड़का लग जाए। फिर मैंने कड़ी पत्ता डाला है फ्रेंड, क्योंकि अच्छी खुशबू और स्मेल के लिए कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, और आप हींग डालना चाहते हैं तो हींग भी डाल दीजिए। और थोड़ी सी मैंने मतलब 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें मूंगफली जो आती हैं वो मैंने डाला है, और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है फ्रेंड, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से आप भी बनाना, बहुत ही अच्छा लगने वाला। फिर मैंने मीडियम साइज़ का जो है प्याज है उसको मैंने बारीक काट लिया है, और उसको इसमें इसी के साथ थोड़ा सा तो भून चुकी हैं मूंगफली जो है, उसके बाद हमको इसी में इसको भी मतलब पका लेना है प्याज को भी अच्छे से, जिससे कि प्याज और मूंगफली दोनों एक साथ भून जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से आपको देख रहा है कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ही मिर्ची, एक मिर्च मैंने काट के रखी थी हरी मिर्च, वही डाला है, और इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है फ्रेंड। इस तरह से आप इसकी स्टफिंग बनाओगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं क्या ही बताऊं। अब इसको हमको 2 से 3 मिनट इसको भी भून लेना है, अच्छे से सोंधी सोंधी खुशबू आती है। अगर आपको बेसन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं डालना, बस ये मैंने दो चम्मच डाला है, तो आप 2 से 3, 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर इसमें नॉर्मल से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाला था, जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, खा सकते हैं, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं है, ये इसका कलर चेंज हो जाए इसलिए वो वाला मतलब कसूरी लाल मिर्च नहीं आती है जो, वो मैंने डाला है, जिससे कि इसकी स्टफिंग है जो बढ़िया सी आएगी। इसको भी हम फ्रेंड एक मिनट भून लेते हैं, बहुत है मसाला भूनने के लिए। तो हमारा ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, और मैंने अब इसमें डाला है आलू जो बिल्कुल मैश होनी चाहिए। इसको मैंने ग्लास की सहायता से, अपना होममेड जो ग्लास आलू रखो उसके ऊपर ग्लास रखो और मैश कर दो बढ़िया सा, उस टाइप से ही आपको मैश करना है। तो इसको अब हमको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि हमारी आलू में अच्छे से फ्लेवर मसाला सारा चला जाए। अब इसमें मुझे नमक भी डालना है फ्रेंड, नमक आप हिसाब से डालना, क्योंकि आपने सूजी में भी अच्छे से नमक डाला था,
तो आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप इसमें नमक भी हिसाब से डालना, और उसके बाद हमको इसको अच्छे से मिला लेना है हमारी स्टफिंग को। और ये बहुत, आपके पास धनिया पत्ता हो तो फ्रेंड डाल लेना, मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये स्टफिंग तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। चलिए हम दूसरे काम में लग जाते हैं। इसका हमको ये 1/4 कप है जो मैंने मैदा लिया, आप अपने हिसाब से जितना आपका ये हो उस हिसाब से आप इसमें ले लेना है। देखिए इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है जिससे कि टेस्ट हो। ये काले वाले जो अजवाइन नहीं आती है, वो अजवाइन नहीं सॉरी जो कलौंजी आती है वो है, और ये जीरा है, और ये व्हाइट वाले जो तिल है। फ्रेंड इन सब चीज़ों को डालो ना तो जब हमारे दांत के नीचे पक्के, जब हमारे दांत जब हम खाएंगे ना एक बाइट में, जो हमारे जो दांत में मिलता है ना बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो इस तरह से हमको अच्छी चीज़ें से मिला लेना है इनको सबको। और उसके बाद पानी को हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि मैदा है, मैदा तो अपना काम करेगा, गुलथियाँ पड़ सकती हैं, तो इस हिसाब से आपको भी ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। उसके बाद ही आपका बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो इस प्रोसेस से आप देखना, इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। देखिए मेरा फर्स्ट क्लास अच्छे से रेडी हो गया। आपको चम्मच को इस तरह करना है जिससे कि इतना ही आपको दिखना चाहिए। तो ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अभी हमारे जो भी बनने का प्रोसेस है हमारा अच्छे से रेडी हो गया। आप इसमें धनिया पत्ती डाल लेना, पर मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली, हरी मिर्च थोड़ी सी इसी में थी तो वो मैंने डाल दिया, और कढ़ी पत्ता मैंने फ्रेंड इसमें डाला है। तो आपको अंदर भी कढ़ी पत्ता, बाहर भी कढ़ी पत्ता, वाह वाह वाह, बिल्कुल कढ़ी पत्ता ही, मतलब मज़ा आ जाएगी आज तो खाने में। फिर क्या, हमारा ये आटा देख लीजिए, बिल्कुल ही हमारा सूजी जो आटा बैटर था ये बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है फ्रेंड। ना ना ना, आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना, नहीं तो आपके हाथों में बहुत चिपकता है ये, इस बात का आप ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि आटा और सूजी दोनों चीज़ें हैं। वैसे भी सूजी तो इस तरह का अपना प्रोसेस करता ही है कि आप कभी भी इस तरह करोगे तो आपके हाथों में अच्छे से लगी जाता है। तो ये क्या है, हमको अच्छे से मसल मसल के इसको कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट और डो की तरह कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको कर लिया है, इस टाइप का आपका होना चाहिए, मैंने मसल मसल के अच्छे से कर लिया है। फिर हमको क्या करना है, अपनी जो स्टफिंग थी उसको हमको, ये भी बिल्कुल ठंडी हो गई है, देखिए भर अच्छे से टेस्टी लग रही है ना। इसके हमको क्या करना है, लड्डू लड्डू टाइप के बना लेना है, जिससे कि हमको इसको इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही इजी और आसान हो जाए। तो इस तरह से हमको क्या करना है, अपने लड्डुओं का शेप दे देना है छोटे से नींबू आकार में। आपको बड़े बनाना है तो आप बड़े बना सकते हो, पर ये क्या छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस से आप बना लेना, वीडियो इतनी देर वॉच किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट भी करना। इस तरह से मैंने अपने सारे बैटर बना लिया है लड्डू की तरह, तो इस तरह से आप भी बना कर लेना। तो इससे क्या है, हमको फ्रेंड आसानी होती है इस तरह बनाने से। फिर हमको थोड़ा सा तेल लेना है और इसमें बड़ी बड़ी लोइयां थोड़ा काट लेना है। तो इस तरह से मैंने देखिए गोल 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 करके अच्छे से इसको हमने बना ली है लोई, हमारे यहाँ तो लोई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड, है ना। तो इस तरह से मैंने दो ही बनाई है, और आप पूरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, हमको इसको रखना है साइड में, और अपनी एक लोई को लेना है, और इसको पहले हाथ की सहायता से फ्रेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है अच्छे से। फिर इसमें हमको धूरन परथन और ये लगा के थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लेना है, जिससे कि इसको थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी फ्रेंड आपको बेलने में, है ना, चिपचिपा भी लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। फिर हमने ये नॉर्मल सा आटा लिया है फ्रेंड, इसमें हमको रख के ऊपर नीचे दाएं बाएं करके गोल गोल बना लेना है। तो थोड़ा सा ये गीला हो गया है फ्रेंड, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नमक भी पड़ा है, तो अपना नमक तो अपना काम करेगा ना। तो इसमें हमको इसी तरह परथन कर कर के हमको एक रोटी की तरह बना लेना है, जैसे हमको रोटी बेलते हैं उस टाइप का। और आपको हाँ दिखाना चाहेंगे कि इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, मतलब किस टाइप की होनी चाहिए, तो ज़्यादा ना मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको स्क्वायर शेप में फ्रंट काट लिया है। तो आपको भी इसी प्रोसेस से काट लेना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, मैंने तो पिज़्ज़ा कटर से काटा है, आप चाकू की सहायता से भी फ्रंट इसको काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो इस तरह से आपको भी काट लेना है, पहले स्क्वायर शेप में काट लेना है, फिर हमको इसमें क्या करना है कि और इसके बीच में फिर से स्क्वायर काट लेना है, बिल्कुल सेम साइज के हों तो बेटर है फ्रेंड, है ना। फिर क्या, आपने एक लड्डू को लेना है, इसको बीच में रखना है और इसके एक किनारे और उस किनारे को एक में ही मिला देना है। इस तरह से आपको वीडियो में जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है फ्रेंड, आप उसी हिसाब से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो फिर इस किनारे को उस किनारे से बनाओ तो क्या एक फ्लावर टाइप की डिज़ाइन बन जाती है फ्रेंड, है ना। और इसके जो किनारे हैं तो इसको भी हमको बिल्कुल दबाना नहीं है, इनको खुला ही रखना है, जैसे जो कोने हैं, जो चार कोने नहीं आपको दिख रहे होंगे, इसको भी हमको इसी तरह से कर लेना है। अपने लड्डू को लेना है और एक किनारा दो किनारा दोनों किनारे को ऐसे ऐसे दबा लेना है। तो ये सॉफ्ट तो है फ्रेंड, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे के करना, जैसे फट रहा है देखो फट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आसानी से ये बन जाता है। और इसको बिल्कुल मिलाने नहीं है जो कोने हैं, है ना। इस तरह से डिजाइन बन जाएगी तो बढ़िया सा परफेक्ट शेप आता है। इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने क्या है सारे बना लिए हैं फ्रेंड, देखिए मैंने ये सारा अपना नाश्ता बना लिया है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड। इसको आप बच्चों को दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे को फर्स्ट दिन हो या लास्ट दिन हो या आप बीच में कभी वैकेशन कहीं जाना हो तो भी आप इसको दे सकते हो, चाय में दे सकते हो, चाय के साथ पी सकते हो, खा सकते हो, और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रंची ये लगता है। तो चलिए हम अपना तेल को गर्म कर लेते हैं, मैंने पहले से रख दिया था, तेल गर्म हो गया है। अभी आपको यहाँ पे जो बैटर मैंने बनाया था ना, ये देखिए, इसको आप ऐसे लेना है, उसके बाद इसके अंदर डालना है और इसमें ही हमको इसकी तरह चम्मच की सहायता से इसमें अच्छे से ऊपर से अच्छे से डाल लेना है। इससे क्या करने से क्या है कोटिंग हो जाएगी फ्रेंड, है ना। फिर इसको एक साइड में करके हमको अपने तेल में डाल लेना है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें कोटिंग हो जाएगी, जो आपका जो आलू था जो दिख रहा था तो वो हमारा निकलेगा नहीं इसके जो डिजाइन से, इसके किनारे से। तो इसी प्रोसेस से मैंने देखिए सारा अच्छे से डाल लिया है। इसी तरह से आप भी एक 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 करते हुए डाल देना है। तेल को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखना है, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। आप मीडियम आँच में पहले थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लीजिए, उसके बाद आप मीडियम आँच में कर लेना है। और इसी प्रोसेस से हमको अपना सारा बैटर देखिए डाल लेना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही आपको डाल लेना है। तो मैंने देखिए जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई में जगह हो उसी हिसाब से फ्रेंड आप डाल लेना। मैंने तो काउंट कर लिया था कि मैंने मुझे दो बार में ही अच्छे से ये नाश्ता पका लेना है। फ्रेंड आप दो पकाओगे तो या 10-5 पकाओगे तो टाइम तो उतना ही लगने वाला है ना। तो इसलिए मैंने ये एक बार में इतने पकाया और दूसरी बार में भी फ्रेंड मैंने इतने पकाए। फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से रहने दीजिए, 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्पैचुला से हमको तेल इसके ऊपर डालना है, जिससे कि हमारा ये ऊपर चिपके नहीं, नीचे तलवे में चिपक जाता है ना, इस हिसाब से हमारा ये चिपके नहीं। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको भी कर लेना है जिस हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो ये आप देखना है, मैं नीचे से थोड़ा सा हिलने लगे हैं तो अभी हमको इनको धीरे से पलट लेना है, सेफ्टी के साथ फ्रेंड पलटना है। कोई अभी आप इतना तो समझ लीजिए, मैंने मैदे का इसमें घोल लगाया है तो ये बिल्कुल फटने वाले तो नहीं है, बिल्कुल फेविकोल वाला काम करता है इस रेसिपी में फ्रेंड, ये मैदा का घोल जो होता है। तो आप इसी तरह से ही आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करना फ्रेंड कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड, आप लोग कमेंट करिए मेरी रेसिपी कैसी है आप बताइए, अगर नहीं अच्छी है तो भी बताइए, मैं उसमें आप मतलब मैं थोड़ी सी मेहनत और करूँगी कि अगर हमारी फैमिली, हमारे यूट्यूब की फैमिली को अगर हमारे वीडियो नहीं पसंद आ रहे हैं तो हमको हमारे लिए सही नहीं है ना। तो हमारे यूट्यूब की फैमिली को ही हम बताएंगे ना कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, कहाँ पे सही कर रही हूँ, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि किस हिसाब से हमको काम करना है ना। तो इस हिसाब से आप ज़रूर बताना फ्रेंड, अपने कमेंट करिए, थोड़े से कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हमको उलट पलट के ही अपना पूरा नाश्ता क्रंची होने तक, क्रिस्पी होने तक पका लेना है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छे से कलर भी आ गया, सुनहरा सुनहरा कलर, और ये इतना ज़्यादा क्रंची भी है कि क्या ही बताएं। तो इस तरह से देखिए मैंने निकाल दिया और बहुत ही आवाज़ भी आई थी फ्रेंड, मैंने थोड़ा इसको काट दिया है ना। मगर इस तरह से आप भी बनाइए प्लीज़ फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई करना।
और बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। देखिए कितना अच्छे से। फिर से फ्रेंड मैंने दूसरा वाला प्रोसेस भी इसी तरह से, दूसरा बैच भी इसी तरह से ही रेडी कर लिया है, तो आप भी इसी तरह से रेडी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है ना। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से सारा बैटर पूरा लगा दिया मेरा, इतना मैंने बैटर बनाया था, पूरा बैटर मेरे अच्छे से हो गया है। इस तरह देखिए मैंने अच्छे से इसको भी अच्छे से क्रंची होने तक पका लेना है, मैंने देखिए पका लिया। और आपको आवाज़ देखना, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ क्रंची आई थी फ्रेंड। और इस तरह से मैंने मेयोनीज और टोमेटो केचप के साथ खाया। आप सॉस से, मतलब सॉस कह रहे, सॉस तो है ही, केचप सॉस ही तो है, और क्या है रे भाई, देख लो। तो फ्रेंड इस तरह से आप खाइए, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करना।